नमस्कार, मैं उत्तरुण सेन आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से एक वर्मी कंपोस्ट का अपडेट लेकर आए हैं। वर्मी कंपोस्टिंग की अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने डाली थी वो सारी वीडियोस ठंडी के महीनों में थी, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब ये जो फरवरी का स्टार्ट हो रहा है तो ये एक ऐसा महीना है जहाँ सीज़न चेंज होता है और ठंडा का समय का जो भी प्रोसीड्योर था वो अब फरवरी के महीने से और इसके आगे के गर्मी के महीनों में वो पुराने प्रोसेस नहीं चलेंगे। तो इस सीज़न के साथ हमारा अप्रोच भी चेंज होना चाहिए और वो इस तरह से है कि जैसे हम लोग पानी देते थे और ठंडी के समय में भी हमने अच्छा से पानी दिया था, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि ठंडा में अगर हम एक दो दिन स्किप करते हैं या किसी कारण से 3-4 दिन भी स्किप हो जाती है पानी पटाने में, तो भी कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी सूखता नहीं है। जूट की बोरियों से हम इसे कवर करते हैं जो कि बहुत हद तक मॉइस्चर रिटेन कर लेती है, तो इसीलिए अंदर नमी बनी रहती है। लेकिन वो अब फरवरी के महीने से अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से धूप बहुत तेज़ होने वाली है और गर्मी से अगर हम एक दिन भी इसमें स्किप करते हैं तो यहाँ से फिर केचुओं की सूखने की और उसको उससे केचुओं को नुकसान पहुँचेगा। तो हम लोग इस प्रोसेस में अब अगर फ्रेश बेड सेटअप करते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि पहले हम लोग बेड को अच्छा से पानी से भिंगो लें। इसमें सिर्फ हल्का हल्का पानी देने से नहीं होगा, हमें कंसिस्टेंटली पानी देनी होगी ताकि जो पानी है वो पूरा गोबर से अंदर जाते हुए और नीचे से पूरा पानी अच्छे से निकल जाए, ताकि उसमें जो भी मीथेन या जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरी तरह से पानी के साथ वो हीट निकल जाए। तो एक बार पूरा फ्रेश पानी देने के बाद हम लोग इसमें केचुआ देंगे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं जो दूसरा हमारा साइट था वहाँ से हम जो भी केचुआ लाए थे तो उसको हम लोग अब आराम से इस बेड में स्प्रेड कर रहे हैं। ये आइसिनिया फेटिडा है, पिछले वीडियोस में भी हमने इसको कवर किया है और किस तरह से इसको बेड में लगाया जाता है, और इसका पूरा सीरीज इसमें अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोग लिंक दे देंगे। इसमें किस तरह से हम लोग ये ज़मीन को थोड़ा सा ऊँचा किए थे, फिर उस पर प्लास्टिक की पन्नियाँ लगाए, ईंटें लगाएँ, उसमें किस तरह से गोबर दिए और फिर ये आइसिनिया फेटिडा हम लोग दे रहे हैं। तो इसका पूरा ट्यूटोरियल हमारे पास पहले के वीडियोस में अवेलेबल है, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि एक मौसम का चेंज हो रहा है तो उस चेंज पे किस तरह से आपको आप अपने अप्रोच में चेंजेस लाने हैं उसके लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। पहले के वीडियोस के तरह ही हम लोग धीरे धीरे केचुआ को पूरा स्प्रेड करेंगे। एक जगह में ज़्यादा केचुआ देने के बजाय हम लोग थोड़ा थोड़ा केचुआ पूरा जगह में स्प्रेड करते हैं ताकि वो आराम से गोबर के अंदर चली जाए। इसमें जो ये गोबर दिख रहा है ये करीब एक ट्रैक्टर गोबर है जो नियरली 50 फीट तक ये हम लोग स्प्रेड करते हैं। इस बेड को नॉर्मली 30x4 के बेड बनते हैं, पर हम लोग 4 फीट की चौड़ाई लेते हैं, 1 फीट की ऊंचाई, और पूरा जो हमारा क्योंकि लेंथ हमारे पास इस ज़मीन में बहुत है तो इसलिए हम लोग करीब 50 से 60 फीट का एक लंबा बेड सेटअप करते हैं जिसमें पूरा एक ट्रैक्टर गोबर आ जाती है। तो इसी तरह से हम लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके केचुआ को हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, और केचुआ जो है क्योंकि पानी हमने अच्छा से इसमें दे दिया था तो अब धीरे धीरे ये केचुआ अपने आप ही ये बेड के अंदर चली जाएगी। अगर इसमें केचुआ देने के बाद अगर वो बेड के अंदर नहीं जाती है तो इसका मतलब है कि बेड में कुछ समस्या है, तो इसलिए इसमें ज़रूरी है कि इसको अच्छे से मॉनिटर किया जाए कि सारा केचुआ बेड के अंदर जा रही है कि नहीं। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग नज़दीक से देख लेते हैं। पिछले वीडियोज़ में ये जो क्लोज़अप है ये वीडियोस हम लोग नहीं लिए थे, तो इसमें ये पहली बार हम लोग थोड़ा सा क्लोज़अप करके देख रहे हैं कि इसमें देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह से केचुआ हम लोग दे रहे हैं, और
कि केचुआ जिस तरह से दिख रहा है, एक फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग इसको शो कर रहे हैं कि किस तरह से खुद ही केचुआ अपने आप ही पेट के अंदर चली जा रही है और ये गोबर के अंदर जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इतने सारे केचुआ हमने डाले और अभी आपको स्क्रीन पे एक भी नहीं दिखेगी क्योंकि सारे जो है ये गोबर के अंदर तेजी से घुस गए हैं। और अब एक बार फिर से हम लोग पानी देते हुए क्योंकि केचुआ अंदर चली गई है तो अब ज़रूरी है कि इसको हम लोग थोड़ा सा पानी दे दें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको अंदर से गर्मी लगे या किसी तरह की उसमें दिक्कत आए। तो केचुआ देने के बाद एक बार और फॉलोअप करते रहें। हम लोग जनरली अर्ली मॉर्निंग में या फिर शाम के समय केचुआ को डालते हैं बेड में ताकि बहुत अधिक धूप नहीं लगे। केचुआ को धूप और हीट उतना अच्छा नहीं लगता है, वो अंधेरे का प्राणी है, निशाचर जीव है। शाम के समय रात के समय ही ये लोग अच्छा से काम करते हैं, तो इसीलिए इनको बेड में देने के बाद एक बार फिर से हम लोग अच्छा से पानी दे रहे हैं ताकि पूरी तरह से बेड जो है भींग जाए। पानी देने के लिए हम लोग एक छोटा पाइप का गार्डन पाइप का यूज़ करते हैं, ये आधा इंच का पाइप है। जनरली हम लोग पौने इंच तक का पाइप भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं लेकिन पानी क्योंकि हेवी फ्लो में जाती है तो इसलिए आधे इंच का पाइप ही इसमें आइडियल होता है कि पानी धीरे धीरे और स्लोली पानी एंटर करे। बहुत अधिक तेज़ी से पानी देके फ्लड करने से ये ठीक नहीं रहता है, तो बेटर यही रहता है कि इसको हम लोग स्लोली पानी दें ताकि धीरे धीरे पानी अंदर जाए। तो पूरा बेड को हमने कंसिस्टेंटली और स्लोली हमने पूरा लास्ट तक पानी दे दिया है और क्योंकि यहाँ से गर्मी के महीने शुरू हो रहे हैं तो अब ये थोड़ा सा पानी देने का हमारा मात्रा बढ़ाना होगा और इसीलिए हम लोग स्लोली पूरा लास्ट तक पानी दे रहे हैं। और अब अगला प्रोसेस फिर वही है कि जूट की बोरियां देनी रहती हैं, तो जूट की बोरियां भी अब थोड़ा सा और अच्छा से और कवर कर रहे हैं ताकि कहीं से भी इसमें अंदर लाइट या धूप नहीं जाए ताकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा रहे। तो ये सारी जूट की बोरियां हमने लेकर आई थी और पूरी तरह से हम लोग इसको अच्छा से इसको स्प्रेड कर दे रहे हैं और पूरा गोबर को बढ़िया से ढक दे रहे हैं। और ये इस तरह से जब हमारा पूरा बेड कवर हो जाए लास्ट तक तो उसके बाद फिर से दोबारा से ये ज़रूरी है कि इन बोरियों को भिंगा दी जाए, इसलिए अब हल्का हल्का पानी एक बार फिर से हम लोग दे देंगे ताकि अच्छा से बोरियाँ पूरी तरह से भींग जाए। ये जूट की बोरियाँ हम लोग प्रेफर करते हैं पराली के बजाय क्योंकि पराली से काफ़ी बार देखा जाता है कि क्योंकि पराली जो केचुआ रहता है उसको थोड़ा बहुत वो खाती भी है लेकिन फुल्ली उसको नहीं खाती है, जिसके कारण ये होता है कि पराली का जो थोड़ा बहुत अंश रहता है वो कंपोस्ट में चल जाती है और क्योंकि बहुत ही बारीक कण होती है तो इसलिए छनाई के समय भी वो कंपोस्ट में वो रह जाता है और उससे कंपोस्ट का क्वालिटी भी ख़राब होती है, उसमें पता भी चलता है कि कुछ मिक्स है। तो इसलिए हम लोग जूट की बोरियां यूज़ कर रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा से कंपोस्ट बनता है और कुछ भी कंपोस्ट में ये नहीं जाता है, शुद्ध रहता है कंपोस्ट। थोड़ा सा हम लोग फॉलोअप कर देते हैं पिछला वीडियो का, जो हम लोग वेजिटेबल पैच का हम लोग सीरीज़ लेकर आए थे कि किस तरह से हम लोग सब्जियां भी साइड में उगा रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग के साथ साथ। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फूल गोभी के पेड़ हम लगाए थे उसमें अच्छा से ग्रोथ आ रहा है और साथ ही साथ जो सेंटर में हम लोग प्याज का और लहसुन का लगा है उसका भी आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं अपडेट, और ये साथ ही लेटूस का है और इसमें भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो इनके अपडेट्स लेके हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं, तो अगला वीडियो में हम लोग और अपडेट करेंगे। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।